पुरुषों में से मनीष नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, नाम मनीष है, पीछे हाँ टी शर्ट पहने हुए बैठे हैं, आ जाएं डी में से। कहाँ को आए भैया? सन्यासी बाबा की जय। सीताराम कहाँ से हो भैया? एमपी सतना। ओ यहाँ क्या कर रहे हैं? अंधेरी में जॉब करता हूँ। हैं? अंधेरी में रहता हूँ। अंधेरी में जॉब करते हो मुंबई में? जी। कितने साल से? काफी साल से है मगर उन्नति कुछ हुई नहीं। ओ चलो, पहले से यहाँ नाम बताया था क्या किसी को? नहीं किसी को। किसी नहीं। को समस्या बताई थी? आज मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? हाँ। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हम कल आए नहीं थे, भाई साहब सब आए थे, मैं कल नहीं आया था। ओ कल आज बालाजी ने पूछ मन। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? यही जॉब का अच्छा नहीं हो पा रहा है, घर की उन्नति नहीं हो पा रही है, पिताजी की तबीयत खराब है। नजदीक आओ। हमने लिखा मन अस्थिर, पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, कृपा होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है, इसी साल में पदोन्नति हो जाएगी, बिल्कुल भी स्ट्रेस या डिप्रेशन ना लें, पिताजी के शरीर का दर्द धाम के झाड़ा से आराम लग जाएगा, एक बार भेज देना, घर का मकान का कार्य भी तुम्हारा पूर्ण होगा जो 2023 के अंत 24 में होगा, तीसरी मंगल काज में रुकावट है वो भी दूर होगी, मंगल काज विवाह पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या यही प्रश्न है? जी। हाँ या ना? जी यही प्रश्न। यही पूछने आए? जी। और अब कारण सुनिए, एक मिनट। सीताराम, सीताराम सन्यासी बाबा की, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की जय। ये हमने रहस्य निकाल लिया। इन सभी कार्य में जो विगत 8 साल से रुकावट लगी है, इन सभी कार्यों में, माइक से बोलो हाँ या ना। जी हाँ। 8 साल से रुकावट लगी है, पितृ दोष का प्यारे कारण है, घर पर पितृ दोष है, पितरों की मुक्ति का उपाय भविष्य में करवा लेना, आपकी भाभी को भी शरीर में पीड़ा बनी है, उनको बीच बीच में मानसिक पीड़ा व शरीर में दर्द बन जाता है, उनको गस्त टाइप का हो जाता है। हाँ या ना? जी हाँ। पढ़िए नीचे की लाइन, तीसरे नंबर पर, भाभी को भी दिक्कत है, तंत्र बाधा का उनको कारण है, आपके घर पर ये पितर घूम रहे, यही झटका मार रहे, अभी 11 दिन की अखंड ज्योति जला देना, जगदीश नाम का पितर है जो तुम्हारा परदादा लगता है, वो जगदीश नाम है, बन जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। जी महाराज। अब बोलो हाँ या ना? जी हाँ महाराज। क्या बात सही है? ये सही है। जाओ तुम नियम करो, हम तो कछु नहीं जाने, मूर्ख आदमी है ना, हम कछु जाने ही था, बब्बा जू ने जैसी हमें प्रेरणा दी, घर पे 11 दिन की ज्योति जलाओ, आराम तुरंत लगन लगे, आशीर्वाद है। कौन से तेल से जलाना है? कौन से तेल से? सरसों के तेल की। जी महाराज। चलो